आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, किस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर लोकसभा अध्यक्ष तक और सांसद तक और विधायक तक झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इसका एक नमूना लोकसभा के अंदर भी देखने को मिला। इसकी एक वानगी लोकसभा के अंदर भी देखने को मिली। आप सोचिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या जो पीठासीन, जो लोकसभा की जो चेयर होती है, उस पर कैसे व्यक्ति को बैठा होना चाहिए। वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति आपको झूठ बोले आपको, क्योंकि आप सोचिए कि लोकसभा पूरी दुनिया देखती है ना कि हाँ भाई, हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है और उसकी लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा अगर कुछ उल्टी सीधी बात करता है या वो जो भी कहता है, पूरी दुनिया उसे सुनती है। पूरी दुनिया नहीं तो कम से कम देश तो सुनता ही है। मौका था लोकसभा की कार्रवाई का और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए थे राजेंद्र अग्रवाल, जो कि मेरठ से बीजेपी के लोकसभा के सांसद हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बोलने का न्योता दिया कि आप बोलिए, चलिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस होनी थी। जब असदुद्दीन ओवैसी बोलने के लिए खड़े हुए तो असदुद्दीन ओवैसी ने 6 दिसंबर को लेकर और राम मंदिर पर बोलना शुरू किया। उसके बाद स्पीकर की कुर्सी पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल साहब ने दुनिया के सामने झूठ कहा। उन्होंने ओवैसी को रोकते हुए कहा कि 6 दिसंबर पर जश्न नहीं हुआ है, ये जो जश्न हुआ है ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर हुआ है। और उसके आगे उन्होंने जो बातें कही वो सीधे तौर पर कंटेम्प्ट टू कोर्ट हो सकता है उन पर। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तो तथ्यों के आधार पर सही फैसला सुनाया है, मंदिर का निर्माण नियमानुसार तथ्यों को देखकर हुआ है, आप जानकार हैं, अगर किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो उसे मान्य नहीं कहा जा सकता है। एएसआई और सुप्रीम कोर्ट ने माना है और स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था तो वो विषय हो गया, वहां पर राम मंदिर बन गया। साथ ही साथ स्पीकर ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर सही फैसला सुनाया है, मंदिर का निर्माण नियमानुसार किया है। वहां पर उन्होंने ये कहने की कोशिश की, ये कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। आप सोचिए, एक अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर, लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कोई व्यक्ति इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद के ऊपर अपना फैसला सुनाया राम मंदिर के ऊपर, तो साफ ये कहा था कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वो राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए राजेंद्र अग्रवाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अब सुनिए पहले राजेंद्र अग्रवाल की इस बात को। नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है, राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहा है और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निर्णय के कारण से हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तथ्यों के आधार पर निर्णय है, वो विषय आपने बोल दिया, ठीक है, ओके। परंतु जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके। और एक सेकंड, एक आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी, अब कानून के, यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी एएसआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था, तो इस विषय केवल यह है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोले प्लीज। बस फिर क्या था, जैसे ही राजेंद्र अग्रवाल ने यह बात कही तो असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर अच्छे से उनकी धज्जियां उड़ा दी। बड़े ही अदब के दायरे में रहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, साहब मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर। ये साफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई,
असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कुछ लाइनें पढ़कर वहां पर लोकसभा के उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए राजेंद्र अग्रवाल को सुनाया और कहा, सर मैं आपको गलत साबित कर रहा हूं, देखिए आप। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को भी आप। सर मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर, और मैंने रुक तो जाइए बड़ी इज्जत के साथ। सर मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ सर। आपको मैं कोट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को एंड द एश्योरेंस गिवन टू दिस कोर्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ इस्लामिक स्ट्रक्चर वॉज एन एग्रीग्रियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। एग्रीग्रियस का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है वो क्रिमिनल एक्ट कहा। और सर आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा की स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए राजेंद्र अग्रवाल को सच का आईना दिखाया। और जैसे ही बीजेपी ने देखा कि भाई यहां तो पोल पकड़ी गई, झूठ पकड़ा गया, तो फौरन बीजेपी के एक सांसद निशिकांत दुबे जो कि झारखंड से सांसद हैं वो खड़े हुए और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया कि आप ये बताइए कि क्या आप बाबर को आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं। यानी आप सोचिए इनकी मक्कारी, आप देखिए कि जहां लोकसभा की स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का झूठ पकड़ा गया, असदुद्दीन ओवैसी ने उसके झूठ को बेनकाब कर दिया, तो बीजेपी का सांसद एक दूसरा सवाल दागता है कि बताइए आप बाबर को अतिक्रमणकारी मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं। स्पीकर सर केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं। उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए दोस्तों। पुष्पमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं बताओ? पुष्पमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए, आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर मुझे, मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। क्या मोदी सरकार एक समुदाय एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है, हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो इस देश की जनता को, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश की जनता को ये चीजें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जाते जाते आपको छोड़कर जाता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो AIMIM के सांसद हैं उनकी पूरी स्पीच क्या कुछ थी पूरी सुनिए आप। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी, मोहतरम चेयरमैन साहब आपका बेहद शुक्रिया। मैं इस मोशन की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूँ। सर मैं शुरुआत में हबीब जालिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। आप उर्दू जानते हैं और लॉ मिनिस्टर भी उर्दू जानते हैं। हबीब जालिब ने कहा था कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग,
हर मुहिब वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामो दाद पाते रहे, रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। सर, मैं अभी सुन रहा था हमारे शिंदे ग्रुप के शिवसेना के पार्टी लीडर अपनी तकरीर कह रहे थे, कहा कि 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, आप ही ने कहा, और कहा कि वो डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये बड़ा अजीब मौका है कि बीजेपी की ताईदी पार्टी कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूँ, और जिसने रथ यात्रा निकाला, इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दे दिया। तो ये 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 बताता है, ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि सर, इस ऐवान में सियासी पार्टियां आएंगी चले जाएंगी, आप आए, मैं आया, हम भी चले जाएंगे, मैं जमीन की गिजा बन जाऊंगा, ये ऐवान तो बाकी रहेगा। मगर सर, ये मैं ताजुब कर रहा हूं कि लोकसभा मुख्तलिफ आवाजों में कैसे बोल सकता है, लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए, और लोकसभा भी भारत के संविधान आईन के बेसिक स्ट्रक्चर का ताबे है। और सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि 16 दिसंबर को, ये ले कर देता हूं, 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, आप इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ता हूं सर। दिस हाउस, अच्छा ये गुलाम नबी उस वक्त के मिनिस्टर थे, आज नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। दिस हाउस स्ट्रांगली एंड अनइक्वोकली कंडेम्स द डेसिक्रेशन एंड डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद एट अयोध्या बाई एंड एट द इंस्टिगेशन ऑफ फोर्सेज रिप्रेजेंटेड अमॉन्ग अदर्स बाई VHP, RSS एंड द बजरंग दल, विच हैज कॉज्ड कम्युनल वायलेंस इन द कंट्री। सच एक्ट ऑफ वैंडलिज्म वॉज कैरिड आउट नॉट ओनली इन वायोलेशन ऑफ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट बट अमाउंटेड टू एन अटैक ऑन द सेक्युलर फाउंडेशन ऑफ आर कंट्री। दिस हाउस एक्सप्रेसेज एंग्विश एट द हैपनिंग्स एंड विशेज टू रिएटरेट इट्स रिजॉल्व दैट इट विल सीजिसली एंडेवर टू अपहोल्ड द सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ आर कंट्री एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। और एक पैराग्राफ में नहीं पढ़ूंगा, मैं ताजुब कर रहा हूं कि जब इस ऐवान ने एक रेजोल्यूशन पास किया तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ, तो ये एक बात है सर। चौथी बात यह है कि सर, नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है, राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहा, और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निर्णय के कारण से हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तथ्यों के आधार पर निर्णय है, वो विषय आपने बोल दिया, ठीक है, ओके। परंतु जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके। एक सेकंड, आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी, अब कानून के, यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी ASI ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था, तो इस विषय केवल यह है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोले प्लीज। सर, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर, और मैंने रुक तो जाइए, बड़ी इज्जत के साथ सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ सर, आपको मैं कोट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को एंड द एश्योरेंस गिवन टू दिस कोर्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ इस्लामिक स्ट्रक्चर वॉज एन एग्रीग्रियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। एग्रीग्रियस का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है वो क्रिमिनल एक्ट कहा। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया, सर मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर, तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए, क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अकलियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम और राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं, मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर, छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिम पूरा हुआ, 83 में नली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए, मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? पुष्पमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं, बताओ? पुष्पमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो, कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए, आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से, बाबर की बात पूछ रहे हैं? तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है? तो सर, मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर मुझे, मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर, मैं आपसे कह रहा था मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौकफ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा, अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं, मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है संविधान के दायरे में रहकर। सर, कंक्लूजन में
मैं आपके बताना चाहता हूं कि आज इस देश को किसकी जरूरत है। इस देश को अयोध्या में तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे, पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे, अयोध्या के पुजारी थे, दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। देश को इनकी जरूरत है, देश को शंभू प्रसाद अचन खां, ये राजा देवी बख्श सिंह के फौज में थे, अंग्रेजों से मुकाबला किया, मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को यह जरूरत है, देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। आज भारत को अयोध्या के मौलाना अमीर अली और रामचरण दास अचन खान शंभू खान की जरूरत है। सर, मैं अभी सुन रहा था ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के बयानात को, क्या होता है सर, आप खत्म कर रहा हूं, क्या होता है सर जब खाजी साहब गवाहों को लेकर दुल्हन के पास जाते कि तुमको निकाह कबूल है तो दुल्हन शर्मा के खामोश बैठ जाती, तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत है। जी जी। तो सर मैं खत्म करने से पहले यह बताना चाह रहा हूं कि जब वजीर आजम जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए जवाब देंगे या फिर सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र रखने वालों का जवाब, मैं खत्म कर जवाब देंगे, मैं ये देश दुनिया मुसलमान देख रहा है। सर मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं, आखिर में कंक्लूड कर रहा हूं सर, एक मिनट चाहिए सर। सर मेरा मानना यह है कि आज मैं बहसियत एक भारत के गयूर मुसलमान के, लेट मी स्टैंड एज ए टॉल इंडियन मुस्लिम एंड से दैट द लाइट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टुडे इज एट इट्स डिमिस्ड टुडे। सर इन कंक्लूजन मेरी फिक्र में, मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत जिंदाबाद, जय हिंद। सबको जोड़ने की बात की जाए वो बेहतर है। जी श्री बीबी पाटिल जी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।